जनजातियों में भूमि पृथक्करण के क्या कारण हैं इस संदर्भ में चर्चा करना है। इसके अनेक कारण हैं। पहला, बाहरी समूहों का स्वार्थ किसी भी क्षेत्र में भूमि पृथक्करण का पहला कारण बाहरी समूहों का स्वार्थ होता है। बाहरी समूह आकर जनजातियों को ऋण देते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण के माध्यम से होता है, लेकिन ब्याज इतना बढ़ जाता है जिसे जनजाति समय पर नहीं दे पाते हैं और अत्यधिक ब्याज बढ़ने के कारण उन्हें अपनी ज़मीन दूसरों को लिख देना पड़ता है, जिसके कारण भूमि पृथक्करण की समस्या बन जाती है। जैसा कि उड़ीसा में विकास आयुक्त ने एक उदाहरण देते हुए बतलाया कि कोरापुट जिले में एक जनजाति ने किसी बाहरी समूह से 1962 ईस्वी में 200 रुपये लिए थे और उनके पास 15 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन समय पर वह रुपया नहीं लौटा पाया और ब्याज इतना बढ़ गया जिसके कारण उसकी ज़मीन हाथ से निकल गई। इस तरह से देखा जाए तो जनजातियों की समस्याएं है। दूसरा कारण निजी स्वार्थ। आज देखा जा रहा है कि जो बाहरी समूह के व्यक्ति होते हैं निजी स्वार्थ के कारण उसे प्रलोभन देते हैं और जनजाति प्रलोभन में फंसकर अपनी ज़मीन को लिख देते हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है। तीसरा कारण अशिक्षा। अभी भी भारतवर्ष के जनजातियों में शिक्षा की कमी है। वह सोच नहीं पाते हैं कि ज़मीन को बचाना है और जिसके कारण अपनी ज़मीन को कम दामों में बेच देते हैं, जिससे परेशानी बढ़ती जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कारण है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में वहाँ के साहूकार सूचना देते हैं कि अगर सरकार से मदद ली जाएगी और उसे समय पर नहीं लौटाया जाएगा तो फसल पर सरकार का अधिकार होगा, जो कि गलत सूचना होता है और शिक्षा के अभाव के कारण सोचने में असफल होते हैं। फलतः उन्हें साहूकार से रुपया लेना पड़ता है और ब्याज इतना हो जाता है कि उसे समय पर नहीं लौटा पाते हैं, जिससे उनकी ज़मीन उनसे निकल जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उनके लिए योजनाएं बनाई है और ज़मीन के बदले उन्हें रुपया दिया जाता है, लेकिन जो रुपया दिया जाता है ज़मीन की दर से नहीं, कम रुपया दिया जाता है, तब जनजाति उस रुपयों को इस तरह से खर्च करता है जिससे समस्या बनी रहती है। अगर इन सभी बातों का जनजाति ध्यान नहीं देगा तो समस्याएं बरकरार रहेगी। दोषपूर्ण कानून। देखा जा रहा है कि जनजातियों के लिए जो कानून बना है दोषपूर्ण है। आज देखने को मिल रहा है कि जो
सेठ साहूकार होते हैं, किसी दूसरे के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करा देते हैं, जो कि जनजाति होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री किया गया है, और उस ज़मीन को सेठ साहूकार अपना व्यवसाय में लगाते हैं, जिसके कारण आज देखा जा रहा है कि समस्याएं बरकरार है। जब तक इन सभी बातों से अवगत नहीं होंगे, तब तक समस्याएं बरकरार रहेगी। धन्यवाद।